हेलो एवरीवन, मैं फजान, आप देख रहे हैं कैन आई टीच यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स पर। चलिए देखते हैं बोर्ड पर नेचर ऑफ फ्रूट्स किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग रूट्स निकालना सीख चुके हैं, दो मेथड पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र और फार्मूला भी कहते हैं। फार्मूला देख लेते हैं पहले। तीसरा वाला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलिए देखते हैं एक बार फिर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पर ए बी सी क्या है तो हम लोग जानते हैं। ए बी सी कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये ए बी सी कहाँ से लिया गया है, इस जनरल फॉर्म से लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, डिस्क्रिमिनेंट, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ से लिए गए हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए देखते हैं डी क्या होता है। पहला पॉइंट है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। जब डी जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और बराबर नहीं होंगे, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, डी इज इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होंगे तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसमें क्या कह रहे थे, अनइक्वल, और इसमें कह रहे हैं इक्वल होंगे, यानी कि इसमें दो रूट्स आएंगे वो दोनों ही अलग अलग होंगे। जबकि जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स की वैल्यू रियल होगी और इक्वल होगी। डी लेस देन जीरो में देखते हैं क्या कह रहे हैं, डी लेस देन जीरो, जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो चलिए इस डिस्क्रिमिनेंट का, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट हैंड साइड उतार दी और क्वेश्चन एग्जांपल जो है राइट हैंड साइड पर है। एक बार और देख लेते हैं, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट डी लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स होगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ये फॉलोइंग जगह ना होने की वजह से ऐसा हो गया, इस पर गौर ना दें, ना करें, हम सवाल पर गौर करेंगे। कह रहे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग है, ये फॉलोइंग इक्वेशंस, इक्वेशन दी है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या दी है इक्वेशन, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, एक आपको करना होगा, ठीक है। कर आप आंसर इसका कॉमेंट में बताएंगे। चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, साथ में करेंगे हम लोग। कह रहे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग इक्वेशन, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कह रहे नेचर्स बताओ, रूट का नेचर बताना, प्रकृति बतानी है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, तीनों कंडीशन में कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो D की जगह क्या रखेंगे हम लोग, कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं, D पूछ रहे हैं ना,
नेचर पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और बताएंगे डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, डी इक्वल टू जीरो होगा रूट्स रियल होंगे, और डी ग्रेटर देन जीरो होगा जीरो से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होंगे इक्वल और रियल होंगे। चलिए करके देखते हैं, डी की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन से, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की जगह क्या दिया है हम लोगों को, ए इक्वल टू नाइन दिया है और बी माइनस सिक्स, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स और सी इक्वल टू प्लस वन। देखते हैं फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और देखेंगे ए क्या है, ए इज इक्वल टू नाइन है, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, सी इज इक्वल टू वन है। ठीक है, अब क्या करेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे बी ए सी की वैल्यूज रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब बी और ए सी की वैल्यू रखेंगे। चलिए करते हैं, डी की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, डी इक्वल टू बी क्या है माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है नाइन है और सी की वैल्यू क्या है वन है। क्या करा हम लोगों ने, d इज इक्वल टू बी की वैल्यू रखी, b की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स स्क्वायर लगा दिया माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या दी है नाइन दी है और इंटू सी की वैल्यू क्या है वन है, तो सारी वैल्यूज रखी यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, d इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इवन पावर्स है, ओपन किस तरह होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो सिक्स की पावर क्या होगी पॉजिटिव लगाते हैं, पॉजिटिव साइन आगे लगाएंगे नहीं, सिक्स का स्क्वायर क्या होगा थर्टी सिक्स माइनस फोर का नाइन में मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स आएगा और थर्टी सिक्स का वन में करेंगे तो थर्टी सिक्स ही रहेगा, थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आई डी इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू क्या आई है जीरो। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल और इक्वल, किस कंडीशन में लाई कर रहे हैं हम लोग सेकेंड वाली, डी इज इक्वल टू जीरो आया है सेकेंड में क्या है डी इक्वल टू जीरो, तो रूट्स की नेचर कैसा होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो सवाल हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या बताएंगे, रूट्स आर रियल और इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल और इक्वल होंगे, डी इक्वल टू जीरो आया, अगर ग्रेटर देन जीरो आता तो रूट्स कैसे होते इक्वल होते नहीं होते इक्वल, रूट्स अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो होता रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और रूट्स निकाल लेंगे, देख लेते हैं एक बार रूट्स इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, क्या करके देख लें। ठीक है, करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस वाले फार्मूले को रखेंगे और क्या निकालेंगे, इस फार्मूले से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या है अंडर रूट डी, डी इज इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसके जगह क्या हम लोग डी लिख सकते हैं, जी हाँ डी लिख सकते हैं बिल्कुल, इस तरह से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और d की वैल्यू क्या है d इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या रख देंगे जीरो, तो माइनस b अपॉन 2a।
प्लस माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। जो दो रूट्स आएंगे सेम रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, और दूसरा रूट भी क्या आएगा, सेम आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। चलिए करके देख लेते हैं हम लोग, b की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने माइनस सिक्स, माइनस और माइनस सिक्स अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है नाइन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिक्स डिवाइडेड बाई एटीन, ये क्या है एटीन है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री, और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, दो रूट्स आएंगे और दोनों की दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वन अपॉन थ्री और वन अपॉन थ्री, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स इसी तरह निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल करके देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, एक बार और देख लें। डी कह रहे थे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स देखा हम लोग ने क्या आया, डी इज इक्वल टू जीरो आया, रूट्स का नेचर क्या मिला, सेकेंड वाली कंडीशन में लाई कर रहे थे डी इक्वल टू जीरो, रूट्स क्या थे, रूट्स रियल और इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने चेक किया, डी इज इक्वल टू जीरो आया, रूट्स रियल और इक्वल थे। रूट्स निकाल कर भी देख लिया, डी इज इक्वल टू माई, ये फार्मूला रखा रूट का, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन टू ए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट डी हो गया, और डी की वैल्यू क्या थी जीरो, तो जीरो रख दी। और रूट क्या, रूट कितने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट होते हैं ये, दोनों रूट किस तरह के होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, और दूसरा जो रूट आएगा वो भी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। तो एक ही जो रूट दोनों आने हैं, तो एक रूट निकालो और दूसरा भी सेम आना है, क्या कह रहे हैं, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो एक वन बाई थ्री आया, यानी कि आने वाला रूट भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो वन बाई थ्री होगा, तो सेम रूट हो गए, दो रूट हैं और दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं, अगला सवाल, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। डी की प्रकृति क्या है, डी किस कंडीशन में लाई कर रहा है, ये आप बताएंगे। ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। रूट्स डी इज इक्वल टू जीरो होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हम लोग, एक एग्जाम्पल और करते हैं, दो एग्जाम्पल करेंगे और दोनों ही मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वो। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। के की वैल्यू निकालना तो हम लोगों ने सीखा नहीं, अब क्या करेंगे, सीखेंगे इसी क्वेश्चन से, चलिए सीखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करिए, दिए गए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी फॉलोइंग, एक और दो दी हुई हैं, जिसमें कह रहे हैं इक्वल रूट्स हैं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, क्वेश्चन में ही आंसर दिए हुए हैं, देखिए कैसे कह रहे हैं, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कैसे कह रहे हैं, दे हैव इक्वल रूट्स, यानी कंडीशन कौन सी, उन्होंने कंडीशन खुद बता दी है, देखिए किस तरह से कह रहे हैं, दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कहाँ पर मिलते हैं हम लोगों को, जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो डी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो डी की वैल्यू तो इन्होंने खुद बता दी, क्वेश्चन खत्म हो गया, डी की वैल्यू क्या दिया है, जीरो दिया है। यहाँ पर कह रहे हैं दे हैव इक्वल रूट्स, यानी कि डी की वैल्यू बता दी उन्होंने, डी की वैल्यू क्या बताई है, डी इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि सेकेंड कंडीशन देखिए, रूट्स आर रियल और इक्वल कब होते हैं, डी इक्वल टू जीरो होने पर। चलिए देखते हैं, करते हैं हम लोग किस कैसे होगा ये, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतारते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो।
डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है हम लोगों को। दिया हुआ है डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या फार्मूला है हम लोगों का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखा। बल्कि इस तरह से ना करके हम लोग क्या करेंगे, पहले डी इक्वल टू जीरो जिस तरह से कंडीशन दी है इस तरह से कर लेंगे। कह रहे हैं डी इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है पता है हम लोगों को, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये कह रहे हैं दे हैव इक्वल रूट्स, यानी कि कौन सी कंडीशन बता रहे हैं, रूट्स आर रियल और इक्वल वाली, ये वाली सेकेंड वाली। रूट्स क्या होंगे, डी इज इक्वल टू क्या होंगे, जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो। तो अब डी क्या है हम लोगों का, विक्टर है, डिस्क्रिमिनेंट, और क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी की जगह क्या रखेंगे लोग, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए b क्या है, यहाँ पर k है, स्वयं k है b, तो b की जगह क्या रखेंगे, k रख देंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस फोर। a की वैल्यू क्या दी है, टू दी है, और c की वैल्यू कौन बताएगा, जी हाँ बताइए, जी हाँ बिल्कुल, कितनी है, थ्री है। सारी वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, एक वैल्यू नहीं पुट करी है, क्या है, इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू है। चलिए अब क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस फोर को टू में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस एट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है फोर, और एट को थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। क्या वैल्यू है, चार का मल्टीप्लाई किया, फोर का मल्टीप्लाई किया टू में, एट आया, एट का मल्टीप्लाई किया थ्री में, तो ट्वेंटी फोर आया। के स्क्वायर ऐसे ही उतारा था। अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू प्लस ट्वेंटी फोर, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, साइन चेंज हो गया, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ट्वेंटी फोर। के की वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ट्वेंटी फोर, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, प्लस माइनस, इसको इस तरह से तोड़ लो कि एक कोई नंबर बाहर आ जाए। कैसे करेंगे, फोर इंटू सिक्स कितना होगा, 24, 4 इंटू सिक्स 24 होगा, 4 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। फाइनल आंसर हम लोग का यहां पर आ गया, लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर यहां पर है, ये भी फाइनली आंसर है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता आएगा और आंसर अंडर रूट 24 ना होकर 2 रूट 6 है, तो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। किस तरह से आई, इन्हें स्प्लिट्स किया 4 इंटू 6 में, 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये रूट 6 रहेगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, के की वैल्यू कैसे निकाली है, एक बार और देखते हैं। कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के लिए बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। क्या कह रहे हैं, डी इक्वल टू जीरो, इन्होंने यहाँ पे बता दिया डी इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लोगों ने क्या किया, डी इक्वल टू जीरो रखा, डी की वैल्यू यहाँ से ले ली, बी स्क्वायर माइनस, डी की वैल्यू कहाँ से ले ली हम लोगों ने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से ले ली, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखा, बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है, के स्क्वायर नहीं है, के है, स्क्वायर तो बी पर है, के रखा, के का स्क्वायर खोला, के स्क्वायर निकला, और फोर और टू इंटू थ्री का मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, माइनस ट्वेंटी फोर। ट्रांसफॉर्मेशन किया, साइन चेंज हो गया, तो क्या हुआ, के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर,
स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे दूसरी साइड, क्या है अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24, ये फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन अगर इसके आगे भी जाएंगे तो बस यहीं पर फाइनल आंसर होगा, आगे यहीं तक हल होगा, ये फाइनल आंसर है हम लोगों का। दूसरे सवाल करके देखते हैं किस तरह से होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं के एक्स, ये मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये हो गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिटा दिए। केक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, कौन बताएगा यहाँ पर कैसे होगा? जी हाँ बिल्कुल, डी की वैल्यू क्या दी है, सेम क्वेश्चन है ना, दोनों में बोल रहे हैं फॉलोइंग, दोनों के लिए बोल रहे थे, दे हैव इक्वल रूट्स, यानी कि कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, फिर से वही सेम सेकेंड वाली, कह रहे हैं डी इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल और इक्वल, यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया क्या है, रूट्स इक्वल है, ठीक है इक्वल है तो रियल होंगे ही होंगे। चलिए अब करते हैं, डी की वैल्यू हम लोग को पता है डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बता दिया, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ये बताकर, तो चलिए अब उस कुल्हाड़ी से इन्हें पूरा मार देते हैं। डी इज इक्वल टू जीरो दिया है तो डी इक्वल टू जीरो रखा, और डी की क्या है, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, चाहें तो आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है किस तरह होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इनका एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। चलिए हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, अपने सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के, तो ए की वैल्यू क्या है, के है, एक्स का कोफिशियंट क्या है, ये बी है, और अपने वाले क्वेश्चन में क्या है, टू के, तो बी की वैल्यू क्या है, टू के, और सी का कोफिशियंट क्या है, सिक्स, ठीक है। ये चीजें आ गई हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, डी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, डी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, डी की, डी का फार्मूला रखा डिस्क्रिमिनेंट वाला, डी इज इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, फोर है, फोर नहीं सॉरी टू है, टू के स्क्वायर करेंगे माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है, के है, इंटू सी की वैल्यू क्या है, सिक्स है, इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ये किस तरह खुलेगा, स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर फोर, के स्क्वायर माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स में क्या आएगा, ट्वेंटी सिक्स इंटू के इक्वल टू जीरो, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर के, फोर के स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर के, के से के कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है, या इस तरफ लिख देते हैं,
इस स्टेप को, पूरे स्टेप को यहां पर लिख देते हैं, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k स्क्वायर को k से कैंसिल कर देंगे, k की वैल्यू क्या आएगी, 24 अपॉन 4 है ना, 24 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6, k की वैल्यू क्या आई, 6 आई है, ठीक है, k इज इक्वल टू 6। एक बार हम लोग खुद से करके देख लेते हैं और देखते हैं कैसे किया हम लोग ने। ये दिया हुआ था kx क्वेश्चन में, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या किया इसको हम लोग ने, और सिंप्लीफाई किया, इनका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें किया, kx स्क्वायर माइनस 2 kx बना प्लस 6 ऐसे ही लिखा इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, a इक्वल टू क्या मिला, k मिला, b इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू 6 मिला, d इज इक्वल टू 0 रखा। अब d की वैल्यू, d इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि ये बोल रहे थे दे हैव इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है, सेकेंड कंडीशन में आप देख सकते हैं। फिर b की वैल्यूज रखी, b का स्क्वायर क्या हुआ, 4k स्क्वायर, इनका इसमें मल्टीप्लाई किया, 24k हो गया। इस स्टेप को यहाँ पर देख लेते हैं, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, 1k को 1k से कैंसिल कर दिया, बचा 1k, k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 को 24 से डिवाइड किया, सॉरी 24 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया, 6, k की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। अब आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप लोग अपने से लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे के लेक्चर हम और पढ़ते रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन आई टीच यू।